गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास क्लास सिक्स चैप्टर टू प्लांट किंगडम, यानी कि पौधों का साम्राज्य। ट्रीज विच शेड देयर लीव्स एवरी ईयर आर कॉल्ड डेसीडियस ट्रीज। जो पेड़ हर साल अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कौन सा पेड़ कहा जाता है? डेसीडियस ट्रीज, यानी कि पतझड़ी या पर्णपाती पेड़। ये हर वर्ष अपने पत्तों को क्या देते हैं हर मौसम में। प्लांट्स विच ग्रो फ्लावर फ्रूट एंड डाई विदिन ए ईयर आर कॉल्ड एनल्स, यानी वे जो पौधे बढ़ते हैं, फूल बनते हैं, फल बनते हैं और एक साल में ही मर जाते हैं, उन्हें कौन से पौधे कहा जाता है? एनल्स, यानी कि एक वर्षीय पौधा कहते हैं, या फिर ऋतु का पौधा भी कह सकते हैं। प्लांट विच लिव फॉर मोर देन टू ईयर्स आर कॉल्ड, वो पौधा जो दो वर्षों से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है उसे क्या कहा जाता है? पेरेनियल्स, यानी कि बारहमासी पौधा। क्या कहा जाता है? बारहमासी। ए प्लांट दैट ग्रोज ऑन एनदर प्लांट, एक पौधा जो दूसरे पौधों पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? एपिफाइट कहते हैं, उपररोही या अधिपादप। किसे क्या कहा जाता है? अधिपादप पौधा कहा जाता है। ये जो पौधे होते हैं ना, ये पौधे परजीवी नहीं होते हैं, ये आश्रय के लिए दूसरों पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये दूसरे पौधों पर उगते हैं। ठीक है। जाइलम सेल्स हेल्प द ट्री टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। जो जाइलम है वो कोशिकाएं पत्तियों तक पानी और खनिज पदार्थ ले जाने में मदद करती हैं। जाइलम कोशिकाएं पेड़ को जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ ले जाने में मदद करती हैं। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक्स।